हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3.1 इट कैन बी डन, ये पोयम। तो देखिए स्टूडेंट, पोयम का नाम ही हमें दिया है इट कैन बी डन, तो इसका मीनिंग क्या होता है देखिए। अगर कोई काम हमें करना होता है तो ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं कि वो उस जगह पे क्या सोचेंगे, एक तो इट कैन बी डन मीन्स मैं काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलेंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा या फिर हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो इस पोयम में हम वही देखने वाले हैं कि इट कैन बी डन जो हम कहते हैं तो हमें क्यों कहना चाहिए। द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कान बी डन। तो जो लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें करने से पहले हमेशा ये कहते हैं कि इट कान बी डन, हमसे नहीं हो पाएगा, वो लोग क्या करते हैं, मिसेस ऑल दी फन। देखिए कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसे हमें पहले सीखना पड़ता है, उस काम को हम एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा ये बोलेंगे कि इट कान बी डन, हम इसे नहीं कर सकते हैं, तो वो कई सारी चीज़ें मिस कर देते हैं कि उस काम को सीखना होता है, वो जो फन होता है उस सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे, मिस कर देंगे। नेक्स्ट है, इन सोलोमन प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रोच। सोलोमन प्राइड का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होगा कि लुकिंग वेरी सीरियस, कि किस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको हमेशा ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं देते हैं। एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रोच। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वेंचर का मीनिंग क्या होगा कि एडवेंचर्स, कि अगर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सेपरेट मानते हैं, अलूप मीन्स क्या, सेपरेट मानते हैं दो लोगों से, बाकी लोगों से अलग ही समझते हैं कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इस तरीके का काम हम नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों के साथ क्या होता है, जो भी एडवेंचर्स उनके लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको ईजिली फेस कर पाएंगे क्या, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही, देखिए कोई भी काम करने से पहले स्टार्टिंग में ही अगर हम इस तरीके से निगेटिव सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते तो फिर हम सच में नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सच में कोई काम करना चाहते हो, पूरी मेहनत के साथ अगर प्रयास करते हो, तो सच में वो चीज़ हो जाती है कि हमें इस तरीके से बाकी लोगों से हम अलग है या फिर नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। हैड ही द पावर ही हैड इफेस द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। अगर देखिए इस तरीके से अगर हम सोचेंगे कि जो पावर हमारे पास है, जो इंसान होते हैं उनके पास जो पावरफुल ब्रेन है, पावर है, उसके साथ हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस, जो कि इंसानों की रेस के बारे में या फिर लोगों की जो हिस्ट्री होती है वो, उनको भी हम बदल सकते हैं, इतनी हमारे पास क्या होती है, ताकत होती है। वी हैड हैव नो रेडियो और मोटर कार्स, नो स्ट्रीट्स लीड बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस, कि जैसे अगर हम पहले के ज़माने की बात करेंगे कि जब फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम एज स्टोन था कि सारी चीज़ें सिर्फ पत्थर से बनी हुई जो हम यूज़ करते थे। आज जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कार्स को यूज़ करते हैं, टेलीफोन है, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो अगर उस टाइम उन लोगों ने भी सोचा होता इस तरीके से कि इट कान बी डन, कि हम नहीं कर सकते, तो क्या इन सारे चीज़ों का इन्वेंशन हो पाता क्या, नहीं हो पाता। तो ये जो सारी हमारी पुरानी हिस्ट्री है कि हम सिर्फ पत्थरों के बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते थे या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, लेकिन उस हिस्ट्री को हमने क्या किया है, एक तरीके से रिमूव कर दिया है हमारे लाइफ से। और जो ह्यूमन रेस है, आज की बात अगर हम करेंगे तो डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, हर किसी में जो है हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और क्यों आगे बढ़े हैं, जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हम कर सकते हैं, कि भले ही हमारे पास सारी की सारी क्या टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े इन्वेंशन जब उन्होंने स्टार्ट किए तो आज हम देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट ही हमें दिख रहा है, कि आज हम मोटर कार्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रिक स्टार्स का मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट हो पाई है, क्योंकि उन टाइम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इन्वेंशन किया, उन्होंने भी इससे ही स्टार्ट किया होगा कि हम लोग कर सकते हैं। वी हैड हैव नो रेडियो और मोटर कार्स, कि उस टाइम हमारे पास ना मोटर कार्स थी ना रेडियो थी, लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, खुद पे भरोसा किया कि हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने ये इन्वेंशन किया जिसके कारण आज हमारे पास रेडियो है, मोटर कार्स है, नो स्ट्रीट्स लीड बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स। अगर इलेक्ट्रिक स्टार्स का मीनिंग जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कि अगर साइंटिस्ट अगर ऐसे इसी तरीके से सोचते कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को फाउंड करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, कौन इतना दिमाग लगाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, अगर वो लोग ऐसे सोचते तो फिर आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जो स्ट्रीट्स के ऊपर लाइट दिखते हैं, घरों में लाइट दिखते हैं, वो हमें नहीं दिख पाती। नो टेलीग्राफ नो टेलीफोन
वी हैड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। अगर उस टाइम इस तरीके के इन्वेंशन नहीं होते तो आज हमारे पास टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर्स ये सारी चीज़ें नहीं होती। एंड वी हैड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन, और हम लोग एज ऑफ स्टोन तो स्टोन एज जो था उसी समय में रुके होते, आज हम उसी तरीके से जीते होंगे जैसे कि उस टाइम के लोग जीते थे। लेकिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा और ये सोच रखी कि इट कैन बी डन, हम लोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और इसीलिए ये सारे इन्वेंशन हुए जिसके कारण आज हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी जो फैसिलिटीज़ हमारे घर में, घर के बाहर मिलती है वो दिखाई देती है। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वेयर रन बाय मैन हु से इट कान बी डन। तो देखिए, सोच के देखिए, अगर सभी लोग ऐसे कहेंगे कि इट कान बी डन, हम लोग नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए, तो एक तरीके से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, थम जाएगी, एक तरीके से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि जैसे कोई चीज़ पे अगर हम काम करते हैं उनमें अलग अलग इन्वेंशन होता है तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है, उसमें और भी डेवलपमेंट होता जाता है। अगर हम ऐसे ही कहेंगे इट कान बी डन, अगर आप घर पे बैठे हो और अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको काम बोला कि आपको घर से बाहर जाके कुछ चीज़ लानी है, जब तक आप खुद नहीं कहोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ और बाहर की चीज़ खरीद के ला सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो स्टडी की बात हो, अगर आपको ऐसे लगता है कोई सब्जेक्ट हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि चाहे कितना भी हार्ड लगे मुझे ये सब्जेक्ट, लेकिन मुझे डिटेल में उसे पढ़ना है, समझना है, तो सच में आप अच्छे मार्क्स उस जो सब्जेक्ट होगा उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो देखिए, लाइफ में ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, चाहे पढ़ाई हो या फिर ऐसे काम होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे और खुद से ये कहेंगे इट कैन बी डन, हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उस काम को आप कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा थॉट आपको इस पोएम से सीखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।